हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है तो ये कुछ अलग है, हटके और दिन से। तो मैं आपको गार्डन भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी और पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ जो मेरे गार्डन में। पहले मैंने आपको एक नेस्ट दिखाया था बर्ड का, जो इस पर हर श्रृंगार पर बनाया था। आज उसमें दिखाती हूँ मैं उसके छोटे छोटे बेबी दिखाऊँगी चिड़िया के। तो और एक मैं जो बिल्ली रहती है मेरे गार्डन में, उसके बच्चा भी उसका दिखाने वाली हूँ। तो वो बहुत बड़ा हो गया, शैतान हो गया है। और ये देखिए, ये बड़ी सी पत्ती है और इसके ही ठीक नीचे बहुत बड़ी पत्ती थी, तो इसी में नेस्ट बनाया था चिड़िया ने। ये देखो, तो ये देखिए, ये चिड़िया के ये बच्चे हैं, आपको दिख रहे होंगे, मुझे भी दिख रहे हैं। तो देखो, एक अजीब बात है, तो हमने तो देखो दो ही सुने थे और इसमें तीन बच्चे हैं इस चिड़िया के। ये देखो, मुँह जब फैला रही है, इसलिए फैला रही है कि ये दाना खाने के लिए, जैसे चिड़िया आती है तो वो दाना लाती है तो खिलाती है। ये देखिए, तीन तीन बच्चे हैं इसके अंदर। और देखिए, अभी बहुत छोटे हैं, अभी तीन या चार दिन के मुश्किल से हैं ये। और तीन है देखो इसके अंदर, और इनकी अभी आवाज़ भी नहीं आई और अभी आँखें भी नहीं खुली, बस ये मुँह खोलते हैं और खाते हैं जब इसकी इनकी मम्मी लाती है। तो ये देखो, मैं नज़दीक से आपको, बहुत नज़दीक से तो नहीं दिखा रही, दूर से दिखा रही। ये देखिए, इस तरह इसमें बैठे हुए हैं, तो अभी आवाज़ भी नहीं है इनकी, क्योंकि बहुत छोटे हैं अभी ये। जब मैं वीडियो बनाने आती हूँ तो कभी भी धमक जाता है यहाँ पे, तो अभी यहाँ छुप गया। मैं इसको हटा देती हूँ तो ये चुपचाप से आ जाता है, और मैं इसको भगाती हूँ, भागता नहीं है, यहीं पर घूमता रहता है अंदर ही अंदर प्लांट के, दिखता भी नहीं है। तो मुझे ये भी डर लगता है कि यहाँ चिड़िया के बच्चे रखे तो कहीं उन पर अटैक ना कर दे। ये देखिए, बैठा बड़े आराम से देख रहा है। ए, चलो चलो चलो, यहाँ से चलो चलो चलो। और आज तो देखो हवा भी चल रही है और धूप भी निकल रही है। और ये देखिए, हिबिस्कस का, इस पर भी चाइना डूल के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसको टाइगर हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं। तो इस पर भी फूल खिले हैं, बस थोड़ा सा टूर कराती हैं आपको। तो और ये गुड़हल पे भी कलियाँ उलियाँ काफ़ी आ रही हैं, तो ये देखिए फूल भी आ रहे हैं। तो सब पे ऐसे बने हुए, इस पर देखो ये मधुकामनी पे जो खुशबू वाला होता है, इस पर भी बने हुए हैं, और इधर इन पे भी बने हुए हैं। देखो, शंख पुष्पी के ब्लू कलर के, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ग्रीन पत्तियाँ और ब्लू कलर के फूल। ये देखिए अंदर से, और बिल्ली की आवाज़ भी आ रही है उधर से। तो ये देखिए, ये मैंने जो टपायरी बनाई थी, और इधर भी ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बस जल्दी जल्दी, छोटी वीडियो है तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इधर कितने सारे ये हिबिस्कस के, ये रानी कलर, कितनी सारी कलियाँ, कल ये चार के चार फूल खिलने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरह का लुक है। और ये देखिए, और उस सामने मेरा जो फ्रेम रखा है उसका, तो ये मैंने थर्माकोल से बनाया था। और ये यहाँ भी फूल है रबंडक, और ये फूल मुझे बहुत ही आजकल अच्छा लग रहा है। ये देखो कितना खूबसूरत, पत्ती भी और फूल भी बहुत सुंदर है। तो ये देखिए, बस कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही आज मैं, इतनी ही वीडियो है। तो और थोड़ी सी झलक आपको इधर भी दिखा देते, सब ठीक ठाक चल रहे हैं। तो अभी तो धूप अब निकली आज, तो इसके बाद देखते हैं कैसा गार्डन में कैसी रौनक रहती है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।